हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग को हमारे चैनल में स्वागत है। और आप लोग कैसे हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यूट्यूब पे इतना धमाल मच रहा है, इतना क्या क्या हो रहा है दोस्तों, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इन लोगों का मैटर क्या है क्या नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब तो ये हो रहा है कि राधा राज भी फरार हो गई हैं, और गोरखपुरिया बहूजी राव और गोलू तो मतलब गिरफ्तार हो चुके हैं और वो जेल में है। और जो कि वो लोग थाना पे गए थे मालती चव्हाण को इंसाफ दिलाने, और पता नहीं किसका चाल है क्या है कि मतलब गोरखप्रिया भौजी और राधा राज को फंसाया जा रहा है, कि मतलब पता नहीं क्या क्या मैटर है तो नहीं पता है। मगर राधा राज बोल रहे हैं कि हम अपने आप को साबित करेंगे कि मतलब हमारा कोई इसमें गलती नहीं है, कोई हाथ नहीं है। मगर पता नहीं क्या मैटर है, हम लोग को तो समझ में नहीं आ रहा। हम तो अभी देखे मीडिया वाला भैया का वो जो कि इंटरव्यू मतलब व्यू ले रहे थे राधा राज की मम्मी से, तो बता रही थी कि 10 दिन पहले से मतलब राधा राज घर छोड़ के चली गई हैं और हमें भी नहीं पता कि वो कहाँ गई हैं कहाँ नहीं गई हैं। और उसमें क्या कहा गया है कि गोलू ने बुलाए थे और किन्नरों को और राधा राज को गोरखपुरिया भौजी को थाना पाने के लिए और ऐसे हरकत करने के लिए। ये लोग तो कुछ भी नहीं कि मतलब वीडियो भी बनाए, और जो कि जितने सारे किन्नरे थे वो लोग मतलब सब किन्नरे कपड़े उपड़े उतार दिए थे, ऐसा कुछ था वहाँ पे। बहुत हंगामा हुआ है, पता नहीं क्या क्या वहाँ पे हुआ है। मगर इतना यूट्यूब पे इतना क्या क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। गलती कोई और कर रहा है, फंस रहा है कोई और, मगर पता नहीं इसमें क्या सच्चाई है क्या नहीं है तो हम लोग को भी पता नहीं है दोस्तों। बस हम तो उम्मीद करते हैं कि मतलब जो दोषी वो पकड़ा जाए या जो सही है वो उनको छोड़ दिया जाए। हमारे कहने से तो कुछ नहीं होने वाला है, मगर वो तो भगवान के हाथ में। जो गलत करता है उसके साथ गलत ही होगा, जो अच्छा करेगा उसके साथ अच्छा होगा। और आप लोग देखिए कि क्या क्या हो रहा है। हम तो देख मेरा पूरा दिमाग ही पगला जा रहा है। क्या होना चाहिए तो क्या हो रहा है यहाँ पे, किसको इंसाफ दिलाना चाहिए तो यहाँ पे और लोग मतलब फंसा रहे हैं दूसरे को। एक एक आदमी की वजह से देखते हैं अभी कौन कौन जेल जाता है। राधा रात तो घर से फरार हैं, गोरखपुरिया भौजी भी फरार हैं, अब गोलू तो गिरफ्तार हो चुके हैं। और देखते हैं कौन कौन क्या होता है गिरफ्तार। तो और क्या बोलते हैं, अर्जुन को होना चाहिए जो कि अभी वो हुआ ही नहीं है। बताइए, जिसको होना चाहिए वो तो नहीं हुआ, जिसको नहीं होना चाहिए वो जेल में चले गए। और अभी कितने लोग जाएंगे तो पता भी नहीं है। पूरा ना सोशल मीडिया पर पूरा देख पूरा दिमाग खराब हो रहा। हम तो देखते नहीं है मगर आज फिर देख लिए। ऐसे ही मेरे सर में तो खुद दर्द रहता है, ऊपर से देख कर और दिमाग पूरा खराब हो जाता है। पता नहीं इसमें किसका किसका साजिश है, किसका किसका हाथ है क्या नहीं है दोस्तों। हम तो बस सोचते हैं मालती चव्हाण को इंसाफ मिले और जो गुनहगार उसे सजा मिले, और बस इसके सिवा हम कुछ नहीं कहना चाहते। और जो जिसकी गलती नहीं है वो थाना पर जाए, अपना सफाई दे, भागने से कुछ नहीं होने वाला है। ये भागने से लगता है कि मतलब गलती है तभी तो भागी है। जब गलती नहीं है तो डट के सामना करो ना, कोई भी हो, हम हो चाहे दूसरा कोई हो, डट के सामना करो और सवाल का जवाब दो। भागने से कुछ नहीं होने, भागने से लगता है कि गलती की है तभी तो भाग रही है, गलती नहीं करती तो क्यों भागती। राधा राज इसीलिए पकड़ी जा रही है। नहीं गलती है तो भाई तुम जाओ थाना पे अपना सफाई दो। बोलते हैं ना भागने से सच्चाई का सामना करना है तो डट कर करो, भाग कर नहीं। और दोस्तों आप लोग कैसे हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और हमारे वीडियो देखना ना भूलिएगा। और दोस्तों देखते हैं अभी वीडियो में क्या होता है क्या नहीं होता है, भगवान की मर्जी।